संस्कृति में ये बाजी का पॉइंट है। यहाँ पर ज्ञानी शरीफ की न्यास भी यहाँ पर है, तो प्रकाश मिश्रा जी जो कि उनकी पार्टी भी है और चैनल भी चलाते हैं, एनजीओ भी चलाते हैं, आइए ओम प्रकाश जी से बात करते हैं। ओम प्रकाश जी जैसे कि आप कितना कार्य करते हैं और आप ज्ञानी शरीफ की न्यास की और आप किसी भेदभाव को देखते हैं कि देश में माहौल चल रहा है वक्त कि एक आप जानते हैं जो माहौल चल रहा है, क्योंकि कोई भेदभाव ना होने के बावजूद भी आपके अंदर सब चीज मैंने नहीं देखी और साथ में कासिम जी जब ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया तो नीचे वालों को क्या हक है किसी के साथ में भेदभाव करना। आज मैंने देखा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख और सभी धर्म के लोगों ने यहाँ पर जो न्याज रखी गई थी मोहम्मद अजीज के द्वारा, यहाँ पर इतने प्यार मोहब्बत के साथ में लोग रहते हैं। ये तो केवल फिरका परस्ती लोग जो होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं राजनीतिक लोग, आपस में द्वेष पैदा करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं ताकि दो समुदाय, दो धर्म, दो जात कभी भी एक ना हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो दिन दूर नहीं कि जब सारे के सारे धर्मावलंबी एक साथ मिल करके अपने अपने धर्मों को मान करके और इस देश को आगे बढ़ाएंगे, वो दिन दूर नहीं। और वही हमने आपने सपना देखा हुआ है जो हमारी पार्टी करेगी और देश को विश्व गुरु सही मायने में बनाएगी। कासिम जी मैं बताता हूँ कि मैं कभी नहीं कहता कि मेरी पार्टी है, ये सारे लोगों की पार्टी है, जो यहाँ पर सारे भाई मेरे खड़े हैं सारे लोगों की पार्टी है। और मुझे बहुत फख्र होता है क्योंकि आप देखिए, मेरी चिंता जायज भी है। आप यहाँ पर आए होंगे तो आपने देखा होगा, ना तो यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे गलियों की हालत देखिए तो एकदम बद से बदतर है, ना तो यहाँ पे पानी है, ना तो लाइट की व्यवस्था है। क्या जनता को केवल वोट की तरीके से ही देखा जाना चाहिए? क्या जनता केवल वोट देने के लिए ही बनी हुई है? ये जो चीज़ें हम लोग, जो राजनेता हमको बेवकूफ़ समझते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, तो आने वाले समय में हम उसको तोड़ना चाहते हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। और यहाँ से आपके बीच का मोहम्मद अजीज खान यहाँ से नगर सेवक चुन करके आएंगे। मैं ये इतिहास लिख करके जा रहा हूँ, ये मेरे शब्दों को आप याद रखिएगा कि यहाँ के 33 वार्ड, जो 33 नंबर का वार्ड है, वहाँ से मोहम्मद अजीज खान आने वाले नगर सेवक साबित होंगे। मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस दुनिया में इस शरीर के अलावा कोई भी चीज आप, मैं तो ये कहता हूँ कि न तो आग के साथ में और ना तो कब्र के साथ में, मिट्टी में भी कुछ नहीं जाने वाला और आग के साथ में भी कुछ नहीं जाने वाला। तो किसके ऊपर आप फक्र करते हैं? अपने शरीर के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर, अपने शोहरत के ऊपर, किसके ऊपर आप फक्र करते हैं? आपके साथ जब कोई चीज जाने वाला ही नहीं है, कोई परमानेंट है ही नहीं कासिम जी, तो आखिर आप किसके ऊपर गुरूर कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से हर किसी को यह समझ करके चलना चाहिए कि जिस तरह से वो आया था उसी तरह से जाएगा, और किसी भी चीज को ये मत समझिए कि वो परमानेंट है। आपके साथ में आज जो है वो कल नहीं रहने वाला, और हो सकता है जो आज नहीं है वो कल आपके साथ होने वाला है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चीज को ध्यान में रखें, कभी भी गुरूर और फक्र न करें। अच्छे अच्छे गुरूरों, अच्छे अच्छे गुरूर वाले जो है वो मिट्टी में मिलते हुए देखा गया है, आग में उड़ते हुए देखा गया है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जमीन पर ही चलने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपके सामने हूँ, जमीन पर चलता हूँ, मैं इस चीज पर विश्वास रखता हूँ कि जिस तरह से मैं हूँ लोग उसी तरह से मुझे जाने। तो ऐसे ही मेरे भाई जो हैं यहाँ पर मोहम्मद अजीज खान जी हैं, जिस तरह से हैं आप उसी तरह से उनको जिताइए और आने वाले समय में वार्ड क्रमांक 33 का उनको नगर सेवक और जन सेवक बना करके उनको मौका दीजिए ताकि लोग उनकी वो सेवा कर सकें। एक एक गली, एक एक मोहल्ला मेरा समझा हुआ, और जिसको गली मोहल्ला जिसको समझा हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर जो मतलब हालात है, मेरे से बेहतर कोई नेता नहीं जानता। तो मेरे सर ने मुझे इसीलिए चुना है और पार्टी में इसीलिए बोला कि आप मतलब उतरो ताकि यहाँ की जो गंदगी है, जो यहाँ की समस्या है, वो मैं ख़त्म करूँ। नहीं, इसके खास वजह यह है कि मेरा नाम असीम कमाल है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कमाल करता जाता हूँ, सर मुझे छोड़ते ही नहीं था, जिसके लिए सर की साथ में जहाँ भी मैं रहूँगा, जहाँ सर रहेंगे मैं पहले रहूँगा, अब्दुल साहब रहेंगे मैं पहले रहूँगा। आज हमारी पूरी की पूरी टीम
नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड की यहाँ पर आई है। क्यों आई है? मोहम्मद अजीज खान अज्जू साहब के पास। इसके लिए आज इन्होंने 11वीं शरीफ का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, बहुत खुशी हुई और बहुत खुशी के साथ हमारी टीम आई है। और हम अज्जू साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे सर का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे साथ आए, अपनी पूरी टीम को लेकर आए और सब लोगों ने अच्छे तरीके से अपना जो भी प्रोग्राम था प्रोग्राम किया। और मैं काशिक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ।